बहुत ही जैसे श्याम जी ने बतलाया तो हमारे आचार्य जी कमलकांत जी प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, लोगों को सुख देने के लिए, निरोग करने के लिए, आरोग्य देने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रशंसनीय इनका काम है। इनको सब प्रकार से जिस तरह भी जो जहाँ है, किसी के पास कुछ भी नहीं है तो भाव से ही सहयोग दें, तन से मन से धन से इनका सहयोग करें, ये यही कामना है। आज जो एक छोटा सा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की जो जड़ है वो कैंसर विशेषज्ञ महासम्मेलन से सरोजिनी महाराज जी गौ माता के आशीर्वाद से जब हमने चिकित्सा प्रारंभ करी प्रकृति को आधार मान के, तो 23 जुलाई को जो सम्मेलन हुआ तो उस सम्मेलन में सबसे अधिक कैंसर रोगी ठीक करने का सौभाग्य गौ माता ने मात्र 1 वर्ष में दिया। तो बार बार मन में ये चिंतन चलता था कि गौ माता ने इतना दिया, प्रकृति माँ ने इतना दिया, इस छोटी सी उम्र में, उसके योग्य भी नहीं हूँ मैं, फिर भी माँ ने इतना दिया तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसी चिंतन से निकल के आया कि हम त्रिवेणी लगाएं। त्रिवेणी के बारे में बहुत सारा अध्ययन मैंने किया जितना संभव था। तो त्रिवेणी जो है, जो 3 वृक्ष हैं इनका जो संगम है, हमने ये निर्णय किया कि हम इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे महाराज जी, ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए। और महाराज जी आपकी कृपा से और बहुत वरिष्ठ जनों की कृपा से, सभी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से ये कार्य लगभग पूरा हो गया है। तो 1 मिनट में 1111 त्रिवेणी लगाने का संकल्प था और उसको लेके हम आगे बढ़े और हमारे परम आदरणीय चाचा जी ने उसका पूरा नेतृत्व किया, साथ में बाबा आदर सिंह जी ने, माता पिता का आशीर्वाद रहा और बहुत सारे लोगों ने कार्य किया। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस प्रकार से सबसे अधिक कैंसर रोगी ठीक करके खुशी हुई थी, उसी प्रकार से आज हम 1111 का संकल्प लिया था लेकिन हमारे पास 1300 से अधिक त्रिवेणी को लगाने वाले 4000 लोग मात्र 10 से 12 दिन में ही एकत्रित हो गए। ये ईश्वर की कृपा है, ये परमात्मा और जो महाराज जी ने जो कहा, गुरु जी ने जो कहा वो यथार्थ सत्य है। मेरे तो जीवन में मैंने अनुभव किया है कि जैसा हम करते हैं वैसा ही हम पाते हैं, और देने वाला जो होता है वो हमेशा श्रेष्ठ होता है। और प्रकृति हमें इतना कुछ दे सकती है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे जीवन की अगर मैं अनुभव बताना शुरू करूँगा तो शायद बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन मैं संक्षिप्त में अगर बताऊँ कि गौ माता ने हर संकट में सब कुछ देती है। गौ माता बस गाय को समझना बहुत ज़रूरी है, प्रकृति माँ को समझना बहुत ज़रूरी है। भाई जी ने भी बहुत श्रेष्ठ बातें की, इनके चरणों में वंदन है। मैं अपने सभी रोगियों को भी एक ही बात कहता हूँ कि मनुष्य को अपनी जरूरतों को समझना होगा। हमने जिस प्रकार से मोबाइल के अंदर एडवांसमेंट की जरूरत समझी कि एक ही डिवाइस में सारे चीजें हों, इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि हमारा जीवन कैसे बचे, हमारा जीवन कैसे बचे। और मैंने जो अनुभव किया इस प्रकृति के अंदर, मनुष्य, अन्य जीव और वनस्पति 3 आधार हैं। अगर जीवन को भी हम तोड़ते हैं तो मुझे आभास होता है, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे आभास होता है जीवन का अर्थ है जीव और वन, जीव और वनस्पतियों के साथ मिलके जो हम सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, वही जीवन है। और ये आधार इस समय कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखता है। ना तो किसी वैद्य का दृष्टिकोण ऐसा पाता है वनस्पति के प्रति प्रेम पूर्वक, ना मनुष्य का दृष्टिकोण है जीवों के प्रति। प्रकृति ने, ईश्वर ने मनुष्य को सबसे ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान बनाया था। वो इसलिए बनाया था कि वो बाकी चीजों की व्यवस्था बना के रख सके। लेकिन इस समय जो मुझे महसूस होता है, इस सृष्टि का अगर सबसे जो गलत जीव कहूँ, सबसे गिरा हुआ जीव कहूँ, तो मुझे मनुष्य प्रतीत होता है। मनुष्य से ज्यादा गिरा हुआ जीव मुझे कहीं नजर नहीं आता। मैं खूब आकलन किया, मैंने कुत्ते के साथ मनुष्य का आकलन किया तो मुझे कुत्ते में श्रेष्ठता दिखाई दी। मेरी बात का बुरा ना माने, मैं सिर्फ अपने मन के भाव प्रकट कर रहा हूँ जो समाज का दृष्टिकोण है। हम जो भी निर्णय लेते हैं, किसी भी निर्णय में ये देखते ही नहीं है कि इससे वनस्पति को क्या फायदा होगा, अन्य जीवों को क्या फायदा होगा। तो मनुष्य के जो दुखों का मूल है उसका मूल है जीवों के प्रति हमारी नकारात्मक सोच और वनस्पतियों के प्रति हमारी नकारात्मक सोच। आज
मनुष्य की जो एवरेज आयु है वो 65 वर्ष हो गई है, लेकिन विज्ञान ने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मनुष्य की आयु 100 से 65 कैसे आ गई। और जब जब विज्ञान आगे होगा और धर्म पीछे होगा तो विनाश होगा, ये निश्चित है। और आज पूरे विश्व में यही हो रहा है, धर्म पीछे है और विज्ञान आगे है। आज हम 5G की तरफ बढ़ रहे हैं, 6G की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर धर्म आगे होता तो सबसे पहले यह आकलन किया जाता कि अगर 5G आएगा तो चिड़िया क्या मरेंगी या जिएंगी, अगर धर्म आगे होता। और अगर इस प्रकार से हमारा विकास होता तो मनुष्य को कैंसर या अन्य बीमारियों से जूझना नहीं पड़ता। आज जितनी भी बीमारियां हैं, जो अल्प आयु है, जो मनुष्य के दुख हैं, उसका मूल है कि हमने जीवों का शोषण किया और जीवों की संख्या हमने बिल्कुल नष्ट कर दी। मनुष्य मांसाहारी हो गया और लगभग भारत का प्रत्येक व्यक्ति मांसाहारी है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि जीव को मार के खाने वाला ही मांसाहारी है। आपके किसी भी कृत्य से, कर्म से अगर जीव को हानि हो रही है, जैसे ये 6G रेडिएशन आई, 5G रेडिएशन आई, इससे अगर चिड़िया नष्ट हो गई तो निश्चित रूप से आप सब मांसाहारी होंगे, आपको उसका विरोध करना चाहिए। आज आप देख रहे हो कि आधुनिक दौर के षड्यंत्र, भाई राजीव दीक्षित जी जब तक जिंदा थे संसार में 2010 तक, उस समय के जितने भी षड्यंत्र थे उन्होंने समाज के बीच में रखे, लेकिन 2010 से और आज 2022 के बीच में इतने हाईटेक षड्यंत्र आ चुके हैं कि मनुष्य भी मनुष्य नहीं रहेगा। जो ऐसे पूजनीय संत हैं हमारे बीच में जो प्रवचन दे रहे हैं, ये आपको मिलेंगे नहीं। मैं हो सकता हूँ गलत, लेकिन इसका आधार क्या है? हमारा आयुर्वेद भी कहता है कि सात्विक भोजन है ना? सात्विक भोजन कहाँ से निर्मित होता है? सात्विक भोजन निर्मित होता है फलों से, सब्जियों से, अन्न से, गोमाता के दूध से। जो विदेशी षड्यंत्रकारी हैं उनकी बुद्धि हमसे कई गुना ज़्यादा इस समय है। उन्होंने हमारे भोजन पर ही प्रहार कर दिया। आप देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके विषय में बोला है कि ऑर्गेनिक खेती में जाए, लेकिन एक बात आप देखिएगा कि हाइब्रिड बीज जितना आया है, जितना भी हाइब्रिड बीज आया है, उससे अपराध बढ़े हैं, उससे बीमारियां बढ़ी हैं, उससे भावनाएं खत्म हुई। जहां पे हम देखते थे आज से 20 साल पहले कि हमारे लोग जब गांव में गुहा को भी छोड़ने जाते थे तो आंखों में आंसू होते थे, आज अगर घर से पिता भी चला जाता है तो 12 दिन आंसू नहीं होते, बहुत सारी जगह तो टीया कर देते, 3 ही दिनों में समाप्त कर देते हैं। इसमें कोई दोषी नहीं है। भगत सिंह जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी जो आज भी इतनी सार्वभौमिक सत्य है कि पूंजीवाद हर समस्या की जड़ है। पूंजीवाद संसार को नष्ट कर रहा है और करता रहेगा। तो जिस प्रकार से हाइब्रिड बीज किए गए महाराज जी, हाइब्रिड बीज से सारी समस्याएं खड़ी हुई, क्योंकि सात्विक अन्न भी नहीं रहा, अन्न भी तामसिक हो गया, और उसके बाद जो जर्सी के रूप में अप्राकृतिक जीव लेके आए। जीव सब श्रेष्ठ हैं, कुत्ता भी श्रेष्ठ है, मूसा भी श्रेष्ठ है, चिड़िया भी श्रेष्ठ है, जीवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ गौ माता है, क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। आपने जो यज्ञ किया है 10 ग्राम घृत से, इसने कई टन ऑक्सीजन जनरेट करी, बहुत सारी बीमारियों को नष्ट किया, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट किया। लेकिन जो जीव मनुष्य ने बना दिए दूध के लालच में, तो अन्य जीवों को मिला के, वो प्रकृति के लिए श्रेष्ठ नहीं है। इसी प्रकार से अब अनाज के ऊपर प्रहार है। हाइब्रिड किया था तो हाइब्रिड को देसी करने की शक्ति, जो मैंने अनुभव किया, मैं गलत हो सकता हूं, प्रकृति में केवल एक जीव के पास है। जब हाइब्रिड बीज को हम लगाते हैं तो 4 साल लगातार धरती माँ में लगाते हैं तो वो देसी हो जाता है। इतनी ताकत हमारी धरती माँ में है, और हमारी धरती माँ से ज्यादा ताकत किसके पास है? वो गौ माता में है। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं अपनी भावना और अनुभव बता रहा हूं। क्यों है? जिस देसी हाइब्रिड बीज को देसी धरती माँ 4 साल में करती है, उसी हाइब्रिड बीज को देसी गौ माता 24 घंटे में करती है। जब आप गौ माता को बाजरा खिलाओगे और उसके गोबर के माध्यम से निकलेगा तो वो स्वयं देसी हो गया। लेकिन अब षड्यंत्रों की संख्या और ऊंचे लेवल की है। अब जीएम सीड्स आ रहे हैं, आप सबको शायद पता होगा जीएम सीड्स के बारे में। नहीं पता तो एक ऐसा बीज बनाया जा रहा है जो कभी उगेगा नहीं, और वो कलोन प्रकृति के प्रत्येक फल, प्रत्येक सब्जियां सबके लिए तैयार है। जीएम सीड जब आएगा तो जब आपने दुकान से वो बीज खरीदा और आपने जमीन पे लगा दिया, बहुत सुंदर उत्पादन होगा। लाल लाल आपको मक्का दिखाई देंगी, हरी दिखाई देंगी, पीली दिखाई देंगी, नीली दिखेगी, जैसा आप देखना चाहोगे वैसी आपको दिखाई देंगी।
लेकिन वो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा, उससे तुम दोबारा धरती में बोना चाहोगे तो बो नहीं पाओगे, उसके लिए आपको फिर जाना पड़ेगा पूंजीपतियों के पास, वहां से वो बीज लेके आना पड़ेगा। सवाल पैसे का और पूंजी का नहीं है, सवाल हमारे अस्तित्व का है। उसी बीज को जब इस प्रकृति में मक्खी खाएगी, मधुमक्खी खाएगी, तो वो नपुंसक हो जाएगी। उसी बीज को जब मनुष्य खाएगा तो मनुष्य नपुंसक हो जाएगा और कैंसर जैसी बीमारियों की चपेट में जाएगा। एक बात हमें समझनी पड़ेगी, हमारे पीछे बहुत बड़ी वैश्विक शक्तियां हैं जो पूरे विश्व को नियंत्रित करना चाहती है, एक मुट्ठी में लेकर आना चाहती है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस कुर्सी की बहुत सारी मजबूरियां हैं, उनको ना चाहते हुए भी जीएम को प्रमोट करना पड़ता है, क्योंकि सत्ताएं भारत से निर्धारित नहीं होती हैं, सत्ताएं पूंजीपति निर्धारित करते हैं। किस देश पे कौन शासन करेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वो निर्धारित करते हैं विदेशी ताकतें। और जिन ताकतों ने भाई राजीव दीक्षित को हड़प लिया, खत्म कर दिया, वो ताकतें बहुत प्रबल हैं। तो जीएम सीड्स का अगर हमने नहीं विरोध किया और अगर हमने हमारी देसी बीज को नहीं बचाया, तो ये मान के चलना इस देश में संत भी निर्मित नहीं होंगे, रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, मनुष्य रोबोट बन जाएगा, उसे रोबोट की तरह प्रयोग किया जाएगा। और जीएम बीज 3.5 लाख प्रकार के तैयार हो चुके हैं, सभी प्रकार के जो है त्रिवेणी लगाने का प्रकल्प लिया, इसीलिए लिया कि हम इसे आदरणीय चाचा जी की बहुत अच्छी सोच है इस विषय में, कि हम जब इसको पूरे भारत में फैला देंगे तो कम से कम हमारे पास देसी नीम तो बच जाएंगे, क्योंकि नीम का भी जीएम क्लोन आ रहा है, बरगद का भी जीएम आ रहा है, पीपल का भी आ रहा है। आप कल्पना करोगे तुलसी की स्थिति होगी, लोग लगाएंगे, बड़े चाव से लगाएंगे, लेकिन वो तुलसी कैंसर को ठीक नहीं कर पाएगी, वो तुलसी में वो गुण नहीं होंगे जो होने चाहिए। अब इसके बाद जीएम के बाद जो सबसे बड़ा षड्यंत्र है वो हमारी देसी गौ माता के प्रति है। सबसे पहले हमें चुनाव करना होगा, मेरा जो मत है कि गाय कौन है। अगर ये भेद हम करने में विफल हो गए तो शायद हमारी आने वाली पूरी संस्कृति मिट जाएगी। सबसे पहले षड्यंत्र जर्सी के रूप में लेके आए ताकि समाज दूध के लालच में आए, और जर्सी स्थापित हुई। और अब जर्सी से भी एक ऊंचा षड्यंत्र हमारे समाज में आ चुका है, जिसको हम कहते हैं सीमन। और मेरी प्रार्थना है सभी संतगणों से, सभी श्रेष्ठ जनों से, धरती का इस समय अगर सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो सीमन है। सीमन से बड़ा कोई पाप नहीं है। सरकारी तौर पे भी हमें विरोध करना चाहिए इसका, सरकारों को भी पत्र लिखना चाहिए कि सीमन को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, क्योंकि हमने जो महसूस किया, जो सीमन से गौमाता तैयार होती है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा का वैसा है, सींग वैसे हैं, आँखें वैसे, सब कुछ वैसा का वैसा है, लेकिन गुण नहीं, इसलिए ये उससे भी बड़ा षड्यंत्र है। और इस समय ये सीमन क्यों लेके आया गया, ये पूंजीपतियों के षड्यंत्र को सफल करने के लिए सीमन लाया गया, क्योंकि जो जीएम बीज आएगा उस जीएम बीज को भी देसी करने की ताकत अगर किसी के पास इस धरती पे है तो केवल और केवल देसी गौ माता के पास है। लगातार वो जीएम बीज देसी गौ माता को खिलाएंगे तो उसे वो देसी कर देगी, लेकिन उस समय तक मुझे दुख इस बात का है कि गाय नहीं बचेगी, केवल गौ माता का स्ट्रक्चर बचेगा। और जो लंपी जैसी ये जो बीमारियां आ रही है सब प्लांट है। आप देखोगे महाराज जी कितनी गाय खत्म करी हुई है, वो अधिकतम गायें राजस्थान में खत्म होंगी, मेरा अपना अनुमान है लगभग 9 लाख से अधिक गायें खत्म हो चुकी हैं। और सारी गाय वो गाय खत्म हुई है जिसमें कभी सीमन नहीं रखा गया, थारपारकर नस्ल, कांकरेज नस्ल, जो श्रेष्ठ नस्लें हैं। ये गुरुकुल भी अगर इतने रोगी ठीक कर पाया तो इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण योगदान था गौ माता का, और गौ माता का भी उसका चुनाव किया गया जिसके ऊपर कभी सीमन नहीं रखा गया और जिसकी वंश परंपरा ईश्वरीय संविधान के साथ चलती आ रही थी। जो कांकरेज नस्ल के लोग हैं ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है जो चराते हैं, इनका समाज में बहुत सम्मान होना चाहिए जो घूमते हैं। हम इनको बड़े अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, इन्होंने हमारे लिए गाय को बचा दिया और वो हर 3 साल में नंदी बदल देते हैं। तो मेरा जो आपको समझाने का भाव था सिर्फ ये था कि ये त्रिवेणी तो एक माध्यम है, इसके माध्यम से हम हमारे बीजों को बदला पाएंगे और समाज को ये संदेश भी दे पाएंगे। और मेरी ऐसी इच्छा है कि आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी महीने 2 महीने में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा जाए, और हर महीने में रिकॉर्ड टूटे। इस बार अगर टूटा है त्रिवेणी के रूप में 1111 का बना है, तो अगली बार कोई 1300 को बनाए और कोई 1500 को बनाए, और ये ऐसा रिकॉर्ड है महाराज जी जिसमें टूटने पे हमारी इच्छा पूर्ति होगी।
तो आप सब लोगों ने सहयोग किया और गुरु जी ने विशेष कृपा हमारे ऊपर बरसाई, हमें आशीर्वाद दिया और अपना बहुत कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को गुरु जी को मैं निमंत्रण भी देता हूँ 30 नवंबर का, 30 नवंबर हरिद्वार कनखल में कार्यक्रम है, इसमें पूरे देश के कैंसर विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे और वो अपने द्वारा ठीक किए गए रोगियों की संख्या दिखाएंगे वहाँ। ये भी एक हमारी चिकित्सा व्यवस्था के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में भी बहुत सारा धूम बहुत सारा प्रदेश, तो उस कार्यक्रम में भी गुरु जी आप जरूर शिरकत करना।